तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर, शोर शराबे के बीच दोनों सदनों से कानून वापसी बिल पास। राज्यसभा में ध्वनिमत से कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ है। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का भारी हंगामा रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास ये बिल भेजा जाएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला, कहा जब चर्चा नहीं तो संसद की क्या जरूरत। पीएम ने माना उनकी गलती से आंदोलन हुआ, जब गलती मानी तो मुआवजा देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अहम बातें राहुल गांधी ने कही। और चलिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर का। अदिति, आंदोलन एक तरफ जारी है किसानों का अभी भी, और यहाँ कृषि कानून वापसी बिल भी दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहार राहुल गांधी ने भी किया। पूरी जानकारी जरूर चाहेंगे कि अब क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जहां मामला उस ओर नज़र आ रहा था कि नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया और संसद सत्र के शुरू होते ही उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको क्लियर किया, जो वादा किया था, तो वहीं राहुल गांधी ने एकदम टाइमिंग देखते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत समय लगाया, वो डर गए इसलिए उन्होंने बिल वापस किया। इतना समय क्यों लगाया गया, और जब यह बिल वापस किया है और किसानों की चिंता वो जता ही रहे हैं, तो क्यों ना वो सबसे पहले MSP की रेट फिक्स करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 700 किसान मरे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके परिवार की रोजी रोटी के लिए क्या प्रावधान है। तो किसान सब जानता है और देश देख रहा है, तो ये तमाम बातें इस समय देश की, दुनिया की, दिल्ली की, NCR की जो पॉलिटिकल नब्ज है वो बढ़ा रहा है। क्योंकि वहीं एक तरफ बिना चर्चा हुए, क्योंकि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि चर्चा होनी चाहिए, सुबह जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो राज्यसभा के लिए भी ये बात कही गई कि चर्चा होनी चाहिए, और सरकार की तरफ से आया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बिल जिसको वापस किया जा रहा है उस पर चर्चा की क्या जरूरत है। और हंगामा हुआ, लगातार हंगामा हुआ, और हंगामे के बीच दोनों ही सदनों से बिल वापस कर लिया गया। वहीं TMC से लेकर दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनका भी यही स्टैंड आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये संसद सत्र की शुरुआत हुई है विंटर सेशन की, आप देखिए पेगासस होगा और तमाम मुद्दों पर अब जो विपक्ष है वो घेरेगा, लगातार हंगामा होगा। देखना होगा कि ओम बिरला इस सब को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलते हैं, कैसे डिबेट होती है, जो नए बिल सत्र में आने हैं वो कैसे पास होते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल किसान वहीं का वहीं डटा है, और अब राहुल गांधी पहले भी किसानों के साथ नजर आए थे, एक बार फिर ये बयान देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसान के साथ हैं। और देखिए, इसका श्वेता ज़्यादा इम्पैक्ट जो है अब उसको पॉलिटिकल तरीके से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ किसान आबादी ज़्यादा है वहाँ पर चुनाव हैं, और यही माना जा रहा है कि रिपील भी इसलिए किया गया। ऐसे में BJP चाहती है कि जो रिपील अब आज से कर लिया है, आज के बाद से वर्ड ऑफ माउथ शुरू होगा, जितने भी किसान नेता हैं या जो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं वो लगातार किसान से संबंधित लोगों और किसान उस इलाके में जाकर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की, कोशिश असफल रही, आप लोग माने नहीं तो हमने वापस ले लिया। इतना बड़ा दिल चाहिए वो 56 इंच की छाती के देश को, देश के सामने माफ़ी मांग कर उन्होंने बिल वापस लिया। लेकिन वहीं विपक्ष इस बात को भुनाएगा लगातार कि किसान सब जानता है, किसान के साथ चुनावी धोखेबाजी हो रही है। तो अभी ये किसान, ना तो किसान अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, वो जब तक अपनी दूसरी मांगे नहीं मनवा लेते जिसमें 700 लोगों के लिए क्या मुआवजा होगा, या MSP का बिल कैसे फिक्स होगा, या बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम से जो इफेक्ट आता है उसका क्या होगा, इन तमाम बातों के बाद ही किसान वो जगह छोड़ेगा। वहीं दिसंबर है, सर्दी का मौसम बहुत तेज़ी से अब आने वाला है, और इसके अलावा कोरोना की भी आहट कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इस बीच में सरकार ने रिपील करने के बावजूद भी सड़कों पर किसान बैठे होंगे, तो अब सरकार बीच का रास्ता क्या निकालेगी, और वहीं विपक्ष अब इस पूरे माहौल में पॉलिटिकल जो छौक है वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें केवल आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम और पंजाब के चुनाव के परिणाम तक लेकर जाते हैं। जी आदित्य, बिल्कुल, और क्योंकि दोनों बातें, पार्लियामेंट का भी संसद में जो कुछ हुआ, और दूसरी तरफ किसान जिस तरह से बॉर्डर पर डटे हुए, क्योंकि वहां पर भी आप मौजूद थी, क्या बिल्कुल अड़ी के किसान की कृषि कानून वापस तो ले लिया, लेकिन अब MSP की बात कर रहे हैं, कुछ और उनकी मांगे हैं, जब तक ये नहीं माना जाता और वापस वैसी चीजें नहीं होती जो किसान चाह रहे हैं, तब तक क्या किसान डटे रहेंगे?
देखिए यहाँ पे अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें राकेश टिकैत ने जो बैठक करी अपने पंचायत महासंघ से, उसमें यही माना जा रहा है कि देखिए एक बार उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गरज है, सरकार की गरज है, तो हमारी जो पुरानी मांगे हैं जो सालों से चली आ रही हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया उन्हें पूरा कराया जाए। देखिए जश्न का माहौल है, खुशी भी है, तमाम चीज़ें हैं, जीत की भी खुशी है, लेकिन अभी खुश होने के लिए मना किया गया है। अभी ये कहा गया, हालांकि कई जो संघ हैं पंजाब की ओर से, तमाम जो अलग किसान संघ, वो ये मान रहे हैं कि अभी घर चले जाना चाहिए और सरकार से बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन वहीं जो सड़कों पर बैठे किसान हैं और उनके जो आका हैं या उनके जो संगठन नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर अभी सरकार सुनने को तैयार है तो क्यों ना हम खास तौर पर MSP, 700 किसानों की जान का मुआवजा और जो हमारी जितनी भी तकलीफें हैं उस पर बात करके बीच का रास्ता निकालें। अगर पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए श्वेता, तो देखना होगा कि अब कैप्टन अमरिंदर का क्या रोल रहेगा। वो किसानों के बीच के भी है, किसानों के अपने आप को किसान नेता ही मानते हैं, तो अब जितने भी भाजपा के पास किसान नेता हैं वो किस तरीके से अब बीच का रास्ता निकाल सकें या किसानों को समझा बुझा के घर पहुंचा सकें, इसमें कैप्टन अमरिंदर की बात करें और ये तमाम चीज़ें हैं, तो ऐसे में क्या कुछ होगा बहुत रोचक होने वाला है। और अभी तो संसद सत्र में किसान बिल से लेकर तमाम बातें लगातार गूंजती भी नजर आएंगी। बिल्कुल अदिति, और लगातार आपसे इससे लेकर अपडेट भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।